हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान लैंड लॉज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आपके एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है, जिसका नाम है म्यूचुएशन यानी कि नामांतरण। नामांतरण का अगर हम लोग जनरली देखें तो कोई भी जैसे भू संपत्ति हुई है उसका अगर ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो बाय ट्रांसफ़र किया हो, अंतरण द्वारा किया हो, या फिर बाय सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार द्वारा किया हो किसी अन्य व्यक्ति को, तो ऐसे में वो जो पेपर्स होंगे उस भू संपत्ति से संबंधित उस पर भी नाम चेंज करवाना होता है। मतलब उन पेपर्स पर भी नाम बदलने की जो का जो प्रोसीजर होता है, भाई हमने जब ट्रांसफ़र कर दिया तो वो भू संपत्ति एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति की हो जाती है, और इस वजह से उसके जो नामांतरण की प्रक्रिया होती है, उसको उस पर जो नाम चेंज करवाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन यानी कि नामांतरण की प्रक्रिया। अब ये नामांतरण की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों नामांतरण किया जाता है, तो इसके बारे में अभी हम आगे क्लास में बात करते हैं कि इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के कौन से सेक्शंस में नामांतरण की प्रक्रिया के संबंध में उपबंध किया गया है और नामांतरण के संबंध में उपबंध किया गया है। तो आइए, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए बच्चों, नामांतरण का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग वर्डली मीनिंग की बात करते हैं म्यूटेशन की, तो उसका वर्डलिंग मीनिंग होता है ट्रांसफ़र ऑफ नेम यानी कि नाम का अंतरण। समझने की बात यह है कि जब भी कोई भूमि बाय ट्रांसफ़र या बाय सक्सेशन यानी कि अंतरण द्वारा या फिर उत्तराधिकार के द्वारा, जैसा कि मैंने यह लिखा है, आपको दिख रहा है ना कि किसी भू संपत्ति पर अंतरण द्वारा या उत्तराधिकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का वैध कब्जा हो जाता है, तो भू अभिलेखों में यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें कब्जे के आधार पर ट्रांसफरी या सक्सेसर के नाम की एंट्री की जाती है। ठीक है, तो ना और नाम बदलने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नामांतरण कहा जाता है यानी कि म्यूचुएशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं रेड आउट करती हूँ। जैसे किसी भू संपत्ति पर अंतरण द्वारा, देखा हमने अभी, ठीक है, बाय ट्रांसफ़र और बाय सक्सेशन किसी अन्य व्यक्ति का वैध कब्जा हो जाता है, तो भू अभिलेखों में कब्जे के आधार पर उस ट्रांसफरी का या उस सक्सेसर का नाम एंटर कर दिया जाता है। मुख्य रूप से ऐसा इसलिए किया जाता है, अब देखिए ये इसका पर्पस बता रहा है आपको, नामांतरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये इसका पर्पस बता रहा है कि मुख्य रूप से ऐसा इसलिए किया जाता है कि ट्रांसफ़र या सक्सेशन के बाद उस भूमि के राजस्व का भुगतान करने का दायित्व किस व्यक्ति का होगा। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि नामांतरण का यानी कि म्यूचुएशन का जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है राजस्व या लगान के संदाय यानी कि पेमेंट ऑफ टैक्स का दायित्व निर्धारित करना, कि जब उस संपत्ति, उस भू संपत्ति का ट्रांसफ़र हो गया है तो उससे संबंधित लगान अब कौन सा व्यक्ति चुकाएगा, यह डिसाइड करने के लिए ही नामांतरण किया जाता है। मींस जब संपत्ति एक व्यक्ति से, सीधी सी बात है जनरली, कि जब संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये स्वाभाविक ही है कि राजस्व या लगान का दायित्व भी उसी व्यक्ति का होगा, किसका, ट्रांसफरी का, यानी कि जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, अर्थात अंतरिति का ही दायित्व होगा। ठीक है, तो अब यह जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, ये डिसाइड करने में कि अब ट्रांसफ़र के बाद टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, नामांतरण का प्रोसीजर किया जाता है। समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात यह है कि इस प्रोसीजर के संबंध में प्रोविज़न कहाँ कर रखा है, तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 133 से लेकर 135, यानी कि तीनों सेक्शन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुएशन के संबंध में, 133, 134 एंड 135, इन तीनों ही सेक्शंस में नामांतरण की प्रक्रिया अर्थात प्रोसीजर ऑफ म्यूचुएशन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो सेक्शन 114 है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो सेक्शन 114 के अनुसार भू अभिलेख संक्रियाओं के दौरान, जब भी लैंड रिकॉर्ड्स जो होती है प्रोसीजर, उनके दौरान अधिकार अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किए जाते हैं, उनमें प्रविष्टियों से संबंधित सभी विवादों का निपटारा कब्जे के आधार पर ही किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति का कब्जा होगा उसी आधार पर निपटारा किया जाएगा। कब्जे की जांच संक्षिप्त रूप से की जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीजर के बारे में, म्यूचुएशन के बारे में जो प्रोविजंस आपके इस अधिनियम में दे रखे हैं उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 133 की। सेक्शन 133 में उत्तराधिकार व कब्जे के अंतरण की रिपोर्ट के बारे में प्रोविज़न करा रखा है। ठीक है ना, हम बात करते हैं जैसे सबसे पहले सेक्शन 133 की। सेक्शन 133 में बच्चों दो सबसेक्शंस हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सेक्शन 133 के पहले सबसेक्शन की। ये बात कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संपत्ति या किसी भूमि
या उसके लाभों में अन्य अधिभार या हित का कब्जा उत्तराधिकार या अंतरण द्वारा या अन्यथा प्राप्त करे। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कहने का मतलब है जो ट्रांसफरी कौन हो गया, किसकी बात कर रहा है, सबसेक्शन वन सब्जेक्ट कौन है इसका, ट्रांसफरी यानी कि जिसको उस प्रॉपर्टी का अंतरण हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो वो ट्रांसफरी क्या करेगा, प्राप्त करे जिन्हें वार्षिक रजिस्टरों में अभिलेखित करना अपेक्षित है, जिनको एनुअल रजिस्टर्स में जिनकी एंट्री करना है ज़रूरी है, वह ऐसे तथ्य को गांव के पटवारी के नोटिस में लाएगा। तो सबसे पहले ट्रांसफरी की जिम्मेदारी बता रहा है सेक्शन 133 का सबसेक्शन 1, वो कह रहा है कि वो व्यक्ति ट्रांसफरी जो है उस बात को पटवारी को गांव का जो पटवारी होगा उसको बताएगा, और ऐसा कब्जा प्राप्त करने की तारीख से 3 महीने के भीतर भीतर, अब देखिए यहाँ टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है, विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के भीतर भीतर उसकी रिपोर्ट जिस तहसील में वह भूमि स्थित है उसके तहसीलदार को या तो सीधे या गांव के पटवारी या जो भी अगर भू अभिलेख निरीक्षक अपॉइंटेड है तो उनके द्वारा करेगा। वो उसकी रिपोर्ट भी 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही वो कब्जा प्राप्त कर लेता है उस कब्जा प्राप्त करने की तारीख से 3 महीने के अंतर्गत कि मैंने फला भूमि का कब्जा प्राप्त करा है, ये सारी रिपोर्ट किसको देगा, या तो तहसीलदार को देगा या फिर सीधे वो गांव के पटवारी को दे देगा, या अगर कोई लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है तो उसको अपॉइंट है वहाँ पर गाँव में तो उसको दे सकेगा। तो इस तरह से सबसेक्शन 1 हमें बात करता है ट्रांसफरी के दायित्व के बारे में। फिर हम बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 इज़ वेरी सिंपल, ये कहता है कि अगर मान लीजिए ट्रांसफरी जो है वो अगर माइनर हो तब क्या होगा, तो यदि ट्रांसफरी जो है अवयस्क या अन्यथा डिस्क्वालीफाई हो, मतलब माइनर हो या फिर डिस्क्वालीफाई हो, डिस्क्वालीफाई या अन्यथा निर्हताग्रस्त का मतलब हुआ बेटा अनसाउंड माइंड हो, मान लीजिए अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो किसी भी तरह से, तो वो डिस्क्वालीफाई हो, तो उस व्यक्ति का जो गार्जियन होगा, उसका संरक्षक होगा या उसकी संपत्ति का अन्य व्यक्ति जो उसका ध्यान रखता होगा उसकी संपत्ति का, ऐसी रिपोर्ट करेगा। यानी कि जिस सबसेक्शन 1 में हमने देखा ना कि तहसीलदार को या फिर गाँव के पटवारी को या फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर अंदर, तो ऐसी रिपोर्ट अगर वो ट्रांसफरी जो है वो माइनर है या अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड है तो ऐसी रिपोर्ट उसका गार्जियन देगा। समझ में आ गई बात, ये हो गया सबसेक्शन 2। मेन बात ये है जिसे हम अगर हम बात है कि सेक्शन 133 में उत्तराधिकार अंतरण यानी कि जो सक्सेशन या ट्रांसफ़र या अन्यथा किसी भी प्रकार से कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह ऐसे कब्जे को प्राप्त करने के तथ्य की सूचना गांव के पटवारी को प्रदान करे। समझ में आई बात, सेक्शन 133 आपको इस तरह से लर्न करना है, केवल एक छोटा सा कीवर्ड आपको याद करना है, ड्यूटी ऑफ ट्रांसफरी आफ्टर द ट्रांसफर, मतलब अंतरण के बाद अंतरिति का क्या दायित्व है, इसके बारे में सेक्शन 133 आपको लर्न करना है। सिंपल दो ही आपकी चीज़ें हैं, नोटिस में डालेगा वो। फिर है कि ऐसा अगर वो नहीं करता तो उसे अनुतोष प्राप्त नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो बाद में वो रिलीफ का दावा नहीं कर सकेगा, किसी प्रकार का अनुतोष उसे नहीं मिलेगा। फिर ये जो पार्टिकुलर केस है आपका हरवंश वर्सेस स्टेट की बात हमने कर ली। फिर है निर्माण सिंह वर्सेस लाल रुद्र प्रताप की बात, अगर हम प्रिवी काउंसिल का ये जो मामला है इसकी बात करें तो नामांतरण से संबंधित ये मामला था जिस पर प्रिवी काउंसिल ने निर्णय देते हुए कहा कि नामांतरण प्रक्रियात्मक कार्यवाही, एक प्रोसीजरल वो कार्यवाही है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति के विधिक हित को, लीगल राइट्स को निर्धारित नहीं किया जाता, कब्जे के आधार पर ही नामांतरण किया जाता है जिसका उद्देश्य है राजस्व भुगतान के दायित्व को डिसाइड करना। मेनली इसका जो पर्पज़ है वो यहाँ पर भी प्रीवी काउंसिल ने फोकस डाला है इस पर्टिकुलर केस लॉ में कि इसका जो पर्पज़ है नामांतरण का वो क्या है, राजस्व भुगतान की लायबिलिटी को, कि अब किसकी लायबिलिटी होगी रेवेन्यू को पे करने की, उसके बारे में, इसलिए ये म्यूचुएशन डिसाइड करना ज़रूरी हो गया। समझ में आई बात, ये तो हुई हमारे सबसेक्शन 133 की बात। देन वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 134। इट इज़ वेरी सिंपली सेक्शन, इट टेल्स अबाउट फाइन फॉर नेगलेक्ट टू रिपोर्ट। अभी हमने देखा ना 133 में कि किस तरह से ट्रांसफरी की जिम्मेदारी है, कि किस तरह से वो रिपोर्ट देगा। अब अगर ट्रांसफरी वो रिपोर्ट देने में किसी प्रकार की उपेक्षा बरतता है, नेग्लिजेंसी बरतता है तो क्या होगा, तो सेक्शन 134 कहता है कि धारा 133 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट देने में उपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति अगर रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति पर ₹10 तक जुर्माने का लगाया जा सकता है। यहाँ पर सेक्शन 134 है ये जुर्माने की बात करता है, ये देख फाइन की बात करता है ये उसके ऊपर कि अगर कोई व्यक्ति जो सेक्शन 133 में रिपोर्ट नहीं कर सकेगा तो उस पर जुर्माना लगाया
जा सकता है, ठीक है ना। एनी पर्सन नेग्लेक्टिंग टू मेक द रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 133 शैल बी लाइबल टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹10, ठीक है ना। दिस प्रोविजन इन गिवन बाय सेक्शन 134। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसीजर ऑन रिपोर्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 135। पूरा ये कम्प्लीटली ये पूरी प्रोसीजर बताता है कि अब क्या आगे प्रक्रिया क्या है। हमने नोटिस दे दिया, सॉरी हमने उसकी नोटिस में ला दिया, सूचना दे दी, ट्रांसफरी ने अपना दायित्व पूरा कर दिया, तब क्या होगा? तब सामने जो तहसीलदार है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसके बारे में बता रखा है आपका सेक्शन 135 जो हम अब पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 133 के अंतर्गत जो रिपोर्ट प्राप्त होने पर या फिर अदरवाइजली ऐसे तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो। देखिए तहसीलदार इंक्वायरी भी करेगा, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, तथा निर्विवाद मामलों, मतलब जहां कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसे कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर मामला है, यदि उत्तराधिकार अंतरण या अन्य अर्जन हुए प्रतीत हो तो उन्हें वार्षिक रजिस्ट्रों में अभिलिखित करेगा। उसको लगता है कि ये ट्रांसफ़र ठीक किया गया है तो क्या करेगा, उसको एनुअल रजिस्टर्स में उसकी एंट्री करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। सेकेंडली, यदि उत्तराधिकार या अंतरण या अर्जन विवादास्पद है, देखिए अगर डिस्प्यूट नहीं है तो वो एनुअल रजिस्टर्स में उसकी एंट्री करेगा, ठीक है ना भाई। इफ द सक्सेशन और ट्रांसफर और अदर एक्वाइजेशन अपीयर्स टू हैव टेकन प्लेस शैल रिकॉर्ड द सेम इन द एनुअल रजिस्टर्स, वो वैसी उसकी एंट्री वार्षिक रजिस्टरों में कर लेगा। सेकेंडली, इफ द सक्सेशन और ट्रांसफर और अदर एक्वाइजेशन इज डिस्प्यूटेड, अगर मामला डिस्प्यूटेड है तो तहसीलदार का क्या करेगा, द तहसीलदार शैल इफ कम्पिटेंट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स डिसाइड सच डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड इफ नॉट सो कम्पिटेंट, यानी कि वो अगर सक्षम नहीं है, रेफर द डिस्प्यूट टू एनी अदर ऑफिसर सो कम्पिटेंट फॉर डिसीजन। कहने का मतलब ये है बेटा कि वो अगर उसको मामला विवादास्पद लगता है तो विधि के अनुसार, जो भी विधि है उस समय जो प्रभावी है, अगर वो खुद सक्षम है तो विधि के अनुसार उस मामले का निर्णय करेगा, उस विवाद का निर्णय करेगा। और यदि इस प्रकार वो खुद सक्षम नहीं है तो विवाद को किसी ऐसे अधिकारी, ऐसी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देगा जो निर्णय में सक्षम हो, उसको भेज देगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से बेटा ये म्यूचुएशन के, आपकी म्यूचुएशन की इंपॉर्टेंट ये प्रोसीजर पढ़ी हमने, सेक्शन 133, 134, 135, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में, ये तो हुआ आपका आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं बेटा नए टॉपिक के साथ में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।